हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है वो आपका एलिवेटर यूनिट का ही आगे का पार्ट है। तो आज के लेक्चर में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, दो टॉपिक डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। एक है आपका ब्रेक सिस्टम के बारे में और दूसरा मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ जो आपका मशीन रूम टॉपिक है उसके बारे में। तो पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ब्रेक सिस्टम के बारे में। ब्रेक सिस्टम क्या होता है? देखिए, ब्रेक सिस्टम जो है ऐसा नहीं है कि आप केवल एलिवेटर में यूज़ करते हो, है ना। ब्रेक सिस्टम जो है वो आपका हर एक जो आपका मूवेबल पार्ट्स है वहाँ ब्रेक सिस्टम होता है। गाड़ियों में होता है ब्रेक सिस्टम, छोटे छोटे जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स होते हैं, लगे होते हैं मूवमेंट के लिए, वहाँ ब्रेक सिस्टम होता है। एलिवेटर्स जो आप पढ़ रहे हैं उसमें ब्रेक सिस्टम होता है। मोटर्स और सब जगह ब्रेक सिस्टम होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ऑपरेटिंग मैकेनिज्म अलग अलग होता है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। ब्रेक सिस्टम हर एक जहां कहीं भी मोशन होगा ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए, बस ये कि ऑपरेटिंग मैकेनिज्म अलग अलग होता है, है ना। तो उसी तरीके से जो एलिवेटर है उसमें भी आपका ब्रेक सिस्टम होता है, और इसका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसको हम अगर करंट प्रोवाइड करें तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सोलेनोइड है ऐसा चीज, है ना। सोलेनोइड में क्या होता है, आप जब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वह एनर्जाइज हो जाता है और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो वही मैं आज डिस्कस करूँगा। तो द मोस्ट कॉमन जो एलिवेटर ब्रेक है वो आपका है कंप्रेसिव स्प्रिंग असेंबली। इसका क्या मतलब होता है? कंप्रेसिव स्प्रिंग असेंबली मतलब होता है एक साथ जो चीज़ हम देखते हैं, है ना, वो असेंबली हो गई। और कंप्रेसिव स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग होगा, कंप्रेसिव स्प्रिंग होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा। ये देखिए यहाँ पर ये वाला, है ना, ये आपका स्प्रिंग है और ये कंप्रेशन है, मतलब ये कंप्रेस हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका ऑपरेशन, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज़ देखिए, मैं मतलब सोचिए कि ये, अब इसका ऑपरेशन समझने से पहले थोड़ा सा हम अपना लॉजिक लगाते हैं, है ना। अगर हमें ब्रेक लगाना होगा तो देखिए इसको हम कह सकते हैं ये हिंज पॉइंट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। हमें जब ब्रेक लगाना है तो क्या करना होगा, इसको ऐसे आना पड़ेगा, और जब ब्रेक हटाना तो कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि जब ये दो, ये जब है ये और ये, जब इनका मूवमेंट इनवर्ड होगा, है ना, जब इनका मूवमेंट इनवर्ड होगा तो क्या कह सकते हैं, इसमें ब्रेक अप्लाइड होगा, ठीक है। और जब इनका मूवमेंट आउटवर्ड होगा, है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ब्रेक रिलीज होगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको, चलिए। लेकिन अब ये होगा कैसे, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब जैसे आप साइकिल में ब्रेक लगाते हो, जो आपका रबड़ होता है, तो जब आप वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप जो है हैंडल पे के पास जो होता है उससे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ब्रेक तो वो भी है, है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक नहीं है, वो आपका जो मैनुअल फोर्स के से जो ब्रेक लग रहा है वो है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सिस्टम हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि इसको इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं ताकि ब्रेक अप्लाइड हो। तो बहुत ही इसका सिंपल फंडा है कि जब इसका जो ये आपका सोलेनोइड है, जब ये सोलेनोइड एनर्जाइज होगा, ठीक है, जब आपका जो आपका सोलेनोइड है, जब ये सोलेनोइड जो है आपका, जब ये एनर्जाइज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ब्रेक, ठीक है, रिलीज होगा। बस उल्टा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये उल्टा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कैसे होगा वो। और दूसरा ये कि जब आपका सोलेनोइड जो है वो डी एनर्जाइज होगा तो आपका जो ब्रेक है वो अप्लाइड होगा। बस ये दो लाइन याद रखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेक सिस्टम क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हो कि ब्रेक सिस्टम वो है जहाँ पे हम
जिसको रोकने के लिए हम अप्लाई करते हैं। अ सिस्टम विच कैन बी अप्लाई टू स्टॉप एनी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ द और शाफ्ट इज योर ब्रेक सिस्टम। इन एलिवेटर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस आपका ब्रेक सिस्टम होता है, ठीक है। और दो लाइन ये लिख दीजिएगा कि सोलेनोइड, इसमें एक सोलेनोइड होता है, ठीक है। और अगर सोलेनोइड को अगर हम एनर्जाइज करेंगे, एनर्जाइज आप किससे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जाइज करोगे तो ब्रेक आपका रिलीज होगा, मतलब ब्रेक हट जाएगा। और जब इसको डीएनर्जाइज करोगे तो क्या होगा, ब्रेक आपका अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम वर्किंग समझने के लिए हम एक बार इसका वीडियो देखते हैं, है ना। मेरे पास इसका वीडियो है, मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको बताता भी चला जाऊँगा साथ साथ में क्या हो रहा है इसमें। वर्किंग है, वर्किंग में थोड़ा सा वीडियो देखना ज़रूरी है, तब समझ में आता है हमें क्या है क्या नहीं है बेसिकली, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका ब्रेक सिस्टम जो होता है वो हम डिफरेंट एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक कंपनी का ब्रेकिंग सिस्टम है, वो मैंने किया है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये प्रैक्टिकल कैसे होता है आपका वो समझ में आएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं, ये शाफ्ट आपका जो है यहाँ पे घूमता चला जा रहा है, ठीक है। ये शाफ्ट जो है आपका घूमेगा और आपका जो ब्रेक सिस्टम है ना, वो इधर अप्लाइड होगा आपका ऐसे, ठीक है। अब हमें इस शाफ्ट को रोकना है, इस शाफ्ट को हमें रोकना है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो है पार्ट कौन कौन सा है वो देखेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री, मेडिकल इक्विपमेंट, सर्वो मोटर, रोबोटिक्स, एलिवेटर एंड स्केटर, ये है आपका सिलेबस। तो अब इसका हम पार्ट देखते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक फील्ड कॉयल होगा। फील्ड कॉयल मशीन्स में आपने पढ़ा है ना, फील्ड कॉयल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वैसे ही कॉयलिंग यहाँ भी होती है, ठीक है। फिर इसका पास, इसके पास एक आर्मेचर होता है और एक हब होता है। हब मतलब जिसमें आप चीज़ों को शाफ्ट को इंसर्ट करके उसको फिक्स करते हो मूवमेंट करने के लिए। और ये जो देखिए ये ग्रूव है, ये ग्रूव इससे लगा हुआ होगा, ठीक है। यानी कि जब ये अब एक चीज़ बताइए, जब इसका मतलब ये होगा कि जब हम आर्मेचर को अगर हम ऊपर खींचेंगे तो ये मूव करेगा आसानी से, और जब हम आर्मेचर को छोड़ेंगे तो ये आकर इसे ग्रूव में लग जाएगा। यही कहने का मतलब है, यानी कि इस आर्मेचर के अट्रैक्शन और रिलीज, इस पर डिपेंड करेगा आपका ब्रेकिंग सिस्टम। समझ में आया, जैसे ये ग्रूव होता है ना, जैसे ये ग्रूव होता है, तो अगर ये ग्रूव इसमें अगर अटका हुआ है तो क्या होगा कि वो ब्रेक लगा रहेगा, और जब वो हट जाएगा मतलब क्या होगा, वो मूवमेंट करने लगेगा। इसी से हम इसी फंडे को हम अप्लाई करने वाले हैं। अब ये देखिए कि ये आपका फील्ड कॉयल है, यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा यहाँ पे। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा, तो आर्मेचर क्या होगा, वो इसकी तरफ खींच जाएगा, तो इसका ग्रूव है वो फ्री हो जाएगा घूमने के लिए, ठीक है, और ये घूमने लगेगा। और जब यहाँ से आप करंट हटा दोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हट गई, तो आर्मेचर जो है वो आकर के इस ग्रूव पे लग जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, वो उसको मूवमेंट करने से रोकेगा। एक बार हम इसका वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, अब ये है आपका इस तरीके से, ये आर्मेचर है आपका, और अंदर में जो आप ये ब्लू कलर का निकलता हुआ आप देख रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब आप इसमें, आपने इसमें क्या किया, करंट प्रोवाइड करा दिया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन गया ये, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन गया, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो ये क्या करेगा, जो भी आयरन का बना हुआ मटेरियल उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपका आर्मेचर आयरन का बना होता, देखिए अब इसको अट्रैक्ट करने लग गया ये। अभी अट्रैक्ट किया तो क्या हो गया कि ये ग्रूव हट गया, ग्रूव हट गया तो ये फ्री में मूव कर रहा है। यहाँ पे एक एयर गैप होता है आपका, देखिए देखा, आपने देखा होगा शायद कि अभी ये खींच गया इसकी तरफ। मैं एक बार थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये घूम रहा है, अभी ध्यान से देखिएगा, देखिए है ना, हल्का सा पीछे की तरफ हटा, मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आया वो पीछे की तरफ खींच गया, तो ये मूवमेंट करने लग गया। अब क्या होगा, अब हम इलेक्ट्रिसिटी को हटाएंगे, है ना। अब क्या है कि अब जैसे जैसे आप हटाओगे, अभी धीमे 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 करके ये मैग्नेटिक फील्ड जो कमज़ोर पड़ेगा, है ना, और कमज़ोर पड़ के वो फिर क्या करेगा, वो शाफ्ट को रोक देगा। इस तरीके से आपका पूरा काम करता है। ये है आपका फ्रिक्शन मटेरियल। एक्चुअली फ्रिक्शन मटेरियल हम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारा एप्लीकेशन।
तो जैसे आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जैसे आपका मोटर इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह हो गया, उसमें तो फ्रिक्शन मटेरियल हम यूज़ नहीं करते। उसमें हम अलग तरह का ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो ब्रेक लगाने के लिए यूज़ करते हैं, काम वही होता है। और बाकी ये सब चीज़ें जो फ्रिक्शन मटेरियल है वो हम एलिवेटर और एस्केलेटर वगैरह में हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ है ना। तो ये फ्रिक्शन मटेरियल होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन आवर एप्लीकेशन जो है फ्रिक्शन मटेरियल का कंपोजिशन चेंज होगा। ये वही है कि आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि लोहा कैसा यूज़ करना है आपको। बस इसको ऐसे हिंदी में डिस्क्रीट में समझ लीजिए आप। अब देखिए इस तरीके से ये घूम रहा है और इस तरीके से ये ब्रेक सिस्टम जो इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। अभी ये घूमता चला जा रहा है, बीच में हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया आपको, है ना। अब आपको समझ में आया ये जो मैं समझा रहा था आपको, रिलीज और ये वाला। तो ये आपका अब यहाँ पे देखिए कि अब आपको जो फोर्स अप्लाई करवाना है, क्योंकि अब आप ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई कर रहे हो और आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमें चाहिए, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कैसे डिसाइड करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल 4 kV 5 kV का दिए पड़े हो, नहीं। हमें ये पता करना है कि एक्चुअल में फोर्स कितना हमें अप्लाई करना है और कितना टॉर्क जो है वो हमें अप्लाई करके रोकना है। तो क्या है देखिए, मैग्नेटिक, ये MF मैग्नेटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एक टॉर्क इधर हो गया, है ना, एक टॉर्क जो है वो इधर हो गया, ये आपका इसको मैं TM लिख देता हूँ, और ये टॉर्क स्प्रिंग का इधर हो गया, है ना। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है वो क्लॉकवाइज उसका है मोमेंट इस पॉइंट के अराउंड, और जो आपका स्प्रिंग का है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा आपका, TM माइनस TS, है ना, यही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। तो टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स इंटू डिस्टेंस, और स्प्रिंग का क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये जो नेट है यही नेट टॉर्क जो है आपका रिक्वायर्ड है इस पूरे सिस्टम को मूव करने में, इधर लेफ्ट और राइट, है ना, मतलब रिलीज करने में और होल्ड करने में, रिलीज करने में और होल्ड करने में। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक लिमिटिंग फिजिक्स है इसमें, बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें यह कहा गया है कि फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि कैसे है। तो यहाँ पे जो है आप देखिए, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका जो उसका मोमेंट है अबाउट दिस पॉइंट, है ना, आपने शायद पढ़ा होगा वेक्टर में, मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट जो है वो आपका है क्लॉकवाइज, ठीक है, और जो स्प्रिंग फोर्स का मोमेंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये आपका स्प्रिंग है यहां पे। द फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग इज मच क्लोजर टू द पिन ज्वाइंट एंड देयर फोर इज इजली ओवर रिडन। ओवर रिडन मतलब क्या होता है, ओवरकम करना, ठीक है, ओवरकम करना बाय द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक पुल बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या हुआ, ये है आपका मोमेंट आर्म, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको मोमेंट आर्म हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग जो है बहुत क्लोज में है, तो इसका जो आपका है मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर कम है तो आपका मोमेंट कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो मोमेंट ज़्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, घर में कभी आप दरवाज़ा अगर खोलते हो या बंद करते हो, तो कभी ध्यान दिया कि जो उसका उसकी कुंडी होती है दरवाजे की, जो मतलब जो हैंडल होता है वो हम किनारे में क्यों देते हैं, ठीक है। इसको बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये आपका डोर हो गया और ये आपका हैंडल हो गया, तभी ध्यान दिया आपने कि ये डोर का हैंडल किनारे में हम क्यों देते हैं, बीच में हम क्यों नहीं देते, है ना। ये आपका वॉल्व हो गया जिससे आपका डोर कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये समझने की हम कोशिश करते हैं, अब क्या होगा कि आप फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हो और किसके अराउंड कर रहे हो, ये हिंज के अराउंड कर रहे हो, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इधर,
तो जब इसका मोमेंट अबाउट दिस होगा है ना, तो आपका जो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आपका जो नेट आपका टॉर्क, यानी कि ज़्यादा आप तेज़ी से उसको खींच पाओगे कम पावर में। वही अगर आप, अगर आपका हिंज यहाँ पर अगर हो जाए, यही अगर आपका हिंज यहाँ पर हो जाए तो आपका डिस्टेंस अगर हम स्मॉल एस ले लें तो ये हो जाएगा एफ इंटू एस, जबकि ये ज़्यादा है और ये आपका कम है। तो इस केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तो दरवाजे का वजन वही है और खींचने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए। तो यही काम यहाँ भी हो रहा है, यही काम यहाँ भी हो रहा है। ये जो चीज़ है वो इधर, या इसका मूवमेंट या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो उस चीज़ को हम समझने के लिए हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी। तो वही कहा यहाँ पे कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग इस पाइवट को एंटी क्लॉकवाइज ले जाएगा, और जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो इसको क्लॉकवाइज ले जाएगा। दोनों का रिजल्टेंट ही जो है हमारा नेट फोर्स हमें चाहिए होगा सोलेनोइड को रिलीज करने में और उसको होल्ड करने में, ठीक है। यही चीज़ है आपका। अब इसमें है डोमिनेंट फिजिक्स, बहुत ही आसान है। इसका ब्लॉक डायग्राम पहले एक, पहले मैं इसका एक फ्लो डायग्राम बनाता हूँ, है ना। आपके पास जो है ये मोटर है, मोटर में आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, इससे आपका मैकेनिकल पावर बाहर निकला। ये मैकेनिकल पावर कहाँ जा रहा है आपका, गियर बॉक्स में, और गियर बॉक्स से कहाँ जा रहा है आपका, पुली में। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे कितने हॉर्स पावर का मोटर चाहिए एलिवेटर लगाने के लिए, तो कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि तो अल्टीमेटली आपको मोटर चाहिए है ना, तो मोटर कैसे डिसाइड करो कितने हॉर्स पावर का मोटर चाहिए आपको। इस चीज को समझने के लिए हम डोमिनेंट फिजिक्स समझते हैं, है ना। अब कैसे होगा, जो आपका, अब हम इसमें कैलकुलेशन जो है हम ऐसे करते हैं कि पावर सप्लाई जो आपके पास आ रही है उसका वोल्टेज आपको पता है, और ये आई बाई रूट टू करेंट है ना। ये बाई ये आई बाई रूट टू क्यों किया है, बी इंटू आई करना चाहिए था। देखिए एसी है ये, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका जो आरएमएस होता है आई मैक्सिमम बाई रूट टू, यही होता है। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू की बात की गई है, ठीक है। एंड दिस पावर इज देन ट्रांसफर्ड, अब वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने पावर, इनपुट पावर प्रोवाइड करी है ये वाली, ये पावर जो है मोटर में जा रही है। अब इस मोटर से कितना मैकेनिकल आउटपुट निकलता है वो इसके मोटर के एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो हमने मोटर में दिया, अब वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो पावर है, ये पावर तो मैकेनिकल पावर है और वो आपके शाफ्ट में जा रहा है, जो मोटर का शाफ्ट है उसमें जा रहा है। तो ये है आपका, ये जो पावर है ये आपका है मैकेनिकल पावर, और ये क्या था आपका, इलेक्ट्रिकल पावर। और ये पावर जो है ये आप दे रहे हो, है ना, ये आपका इनपुट है, इनपुट टू मोटर, और ये वाला जो क्या है, आउटपुट फ्रॉम मोटर, ठीक है, ये है आपका। अब ये जो है टॉर्क इनटू ओमेगा, ये ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है वो आपका है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुली, जो आपका पुली का एंगुलर वेलोसिटी है वो है आपका ओमेगा, ठीक है। तो
अब हम कैलकुलेट करते हैं टॉर्क, है ना। हमें चाहिए टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि हमें चाहिए फोर्स, यानी कि हमें चाहिए कि फोर्स ऑन पुली वन, पुली नंबर वन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपका शाफ्ट जो है पुली वन से कनेक्टेड है, इसीलिए हमें यह चाहिए कि पुली वन पे कितना फोर्स लगेगा नेट, यही है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब देखिए, ये जो है आपका, अब इस पुली के दोनों साइड कनेक्टेड है, इधर आपका कनेक्टेड है आपका काउंटरवेट, और इधर आपका कनेक्टेड है एलिवेटर, यानी कि इस पे जो पुली पे जो नेट, पुली पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इन दोनों फोर्स का माइनस होगा, क्योंकि काउंटर वेट जो है वो पुली को क्लॉकवाइज मूव कराएगा, और है ना ये, और आपका जो एलिवेटर है वो आपका पुली को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा। तो अब इन दोनों का जो नेट है वही आपका काम करेगा पुली के ऊपर, यानी कि अब ये जो नीले वाला रंग का जो रस्सी है इसके ऊपर जो अगर जो फोर्स लग रहा है, यानी कि अगर मैं इसको फोर्स एलिवेटर ले लेता हूँ, इसको मैं फोर्स काउंटर वेट ले लेता हूँ, यानी कि एफ ई माइनस एफ डब्ल्यू, यानी कि जो आपका नेट फोर्स है वो क्या हो गया आपका फोर्स ऑफ मतलब एलिवेटर का जो है आपका और काउंटर वेट का है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा नेट फोर्स निकल जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए एक चीज, ये जो आपका है नीले कलर का रस्सी, इस पे आपका जो काम करेगा एलिवेटर का फोर्स वो होगा आपका डब्ल्यू ई बाई टू। डब्ल्यू ई बाई टू क्यों हुआ? देखिए, इस पुली पे जो नेट है वेट लग रहा है नीचे डब्ल्यू ई, लेकिन इस दोनों रस्सी में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ भी डब्ल्यू ई बाई टू हो जाएगा, यहाँ भी डब्ल्यू ई बाई टू हो जाएगा। और चूंकि ये वाला पार्ट इससे कनेक्टेड है, इसको अलग अलग करके हमने दिखाया है, तो अगर यहाँ डब्ल्यू ई बाई टू होगा तो यहाँ भी डब्ल्यू ई बाई टू होगा, इसलिए क्या हो गया एफ ई, क्या हो गया आपका डब्ल्यू ई बाई टू। उसी तरीके सिमिलरली आपका जो काउंटर वेट वाला पार्ट है ना, तो काउंटर वेट में भी क्या होगा, ये रस्सी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इसका फोर्स, तो यहाँ लगेगा आपका डब्ल्यू सी डब्ल्यू बाई टू। ये दोनों पार्ट आपस में कनेक्टेड हैं, है ना, अलग अलग करके दिखाया है, इसका मतलब ये अलग अलग है, हमने हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, जिससे मैं सारा कुछ अलग अलग करके हम दिखाते हैं। अब इस पे क्या लगेगा वेट? इस पे लगेगा आपका डब्ल्यू सी डब्ल्यू बाई टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ई माइनस डब्ल्यू सी डब्ल्यू बाई टू। ये है बेटा आपका नेट फोर्स जो है आपका जो पुली वन पे लग रहा है। इसको मैं एफ वन कर देता हूँ ताकि आप लोग भी याद रहे एफ वन क्या है। F1 मतलब पुली वन पे जो आपका नेट फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, ठीक है। अब क्लियर हो गया आप लोगों को, फोर्स निकल गया। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ चीज़ों को मिटा देता हूँ, है ना, इसकी ज़रूरत है नहीं आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि डेरिवेशन बहुत लंबा, डेरिवेशन बहुत छोटा है ना, लेकिन क्या ना बेटा कि इसको समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जाननी होंगी, इसीलिए मैं थोड़ा एफर्ट लगा रहा हूँ ताकि आप लोग, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ों को रटे नहीं, आप लोग चीज़ों को समझें, यही मेरा एफर्ट है, वही मैं कोशिश भी करता हूँ। चलिए, तो ये हमारा फोर्स निकल गया। अब पुली पे हमें फोर्स निकल गया और परपेंड, यानी कि अगर ये हमारा पुली है ना, और ये हमारा नेट फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाए? अब ये फोर्स जो है वो टेंजेंट में लगेगा, ठीक है। ये फोर्स जो है, अगर मान लीजिए कि आप, अच्छा अब मेरे को एक चीज़ आप गौर करिए कि ये जो फोर्स है आपका F1, ये या तो पुली को क्लॉक घुमाएगा या एंटी क्लॉक घुमाएगा, करेक्ट है ना। तो जब आपका एलिवेटर नीचे जाएगा, एलिवेटर जब आपका नीचे जाएगा तो F1 इधर हो जाएगा, ठीक है। और जब जब आपका
ये एलिवेटर जो है आपका गोइंग डाउन, और उस टाइम पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ये रेडियस, ये आपका रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से जब आपका एलिवेटर जब है, जब ऊपर आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उस टाइम पे फोर्स इधर लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होने का। क्यों बेटा? क्योंकि ये फोर्स अगर इस साइड, अगर बाएं साइड लगा तो ये क्या करेगा, पुल्ली को ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तभी तो एलिवेटर नीचे जाएगा, ठीक है। और जब ये फोर्स दाएं साइड लगेगा तो ये पुल्ली को ऐसे घुमाएगा, तभी तो आपका एलिवेटर गोइंग अप होगा, ठीक है, एलिवेटर गोइंग अप, ठीक है। तो दोनों हालत में फोर्स लगेगा टेंजेंट पुली पर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो बस निकल गया हमारे पास, हो गया। इसको भी मैं रब कर देता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, ठीक है, मैं यहाँ डेरिवेशन कर देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दे दीजिएगा, ये वही पार्ट है डेरिवेशन का। मैं इसको स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यानी कि टॉर्क हमारे पास हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास क्या बेटा, ये है आपका डब्लू ई माइनस डब्लू सी डब्लू बाई टू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रेडियस है ना, ये क्या है, रेडियस ऑफ पुली, रेडियस ऑफ पुली वन, ठीक है। अब टॉर्क हमें निकल गया, हमें ओमेगा है अगर, और ओमेगा हमें पता है, यानी कि हमें पता है कि हमें किस एंगुलर वेलोसिटी से हमें पुली को मूव कराना है। और अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी ना भी पता हो, तो अगर आपको ये पता हो कि हमको एलिवेटर को किस स्पीड से ऊपर नीचे करना है, तो वेलोसिटी निकल गई आपकी, है ना, वेलोसिटी निकल गई, तो एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से हम अब यहाँ पे पावर, जो नेट पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, डब्लू ई माइनस डब्लू सी डब्लू बाई टू इंटू आर, ये आपका टॉर्क हो गया, ठीक है, इंटू ओमेगा, और वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना। तो आप इस, तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया, तो भी घबराने की बात नहीं है, आप सीधे वेलोसिटी लगा दीजिए। और अगर आपको वेलोसिटी नहीं है, रेडियस ऑफ पुली दिया हुआ है ना, और आपको ओमेगा दिया हुआ है, उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसा आपको डेटा दिया हुआ है आप ऐसा लगा सकते हैं। और बेसिकली आप देखिए, जो हमारा जो भी सिस्टम है ना, उसमें हमारा क्या होता है कि वेलोसिटी ही हम बात करते हैं, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप कॉमन बंदे से तो ये नहीं बोल सकते ना कि भाई पुली में हमें इतना एंगुलर वेलोसिटी देना है, वो तो नहीं समझेगा। आप टेक्निकल बंदे हो, आप इंजीनियर हो, तो आप जानते हो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एक कॉमन बंदा क्या समझे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वो तो बस ये बोलेगा हाँ भाई कितने स्पीड से ऊपर नीचे करना है एलिवेटर बताइए। तो उस केस में आप ये वाला करोगे, ठीक है, और बाकी तो ये अपना टेक्निकल पर्सन आप लोग हो तो ये कर ही लोगे। तो ये है पूरा आपका जो डायनेमिक्स है इसका पूरा, और मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये कहानी वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है। ये नीटा आपका एफिशिएंसी है, तो नीटा होता है आपका आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये हर जगह ये अप्लीकेबल है। तो गियर का, ये गियर का बॉक्स है, इसके आउटपुट पर डिपेंड करता, इसके एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि कितना पावर बाहर निकलेगा इस गियर से, ठीक है। अब आगे, अब है लास्ट टॉपिक आज का, आपका है लिफ्ट मोटर रूम। एलिवेटर मशीन रूम को ही हम लिफ्ट मोटर रूम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें आपको पता भी हैं और कुछ चीज़ें मैंने ऐड भी कर दी हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल डिसकनेक्ट्स। डिसकनेक्ट्स मतलब क्या होता है, जैसे लक्स वगैरह होता है, लक्स हो गया आपका, और ब्रेकिंग सिस्टम हो गया आपका, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करनी है
एमसीबी ले लीजिए, एमसीबी हो गया आपका, फ्यूजेस हो गए, ये सारा जो आपका है एक मशीन रूम होता है उसमें सारा कुछ जो है हम लगाते हैं। फिर आपका गियरलेस या ड्रम टाइप मशीन हो सकता है। फिर ये ब्रेक, ठीक है, जो बताया, ड्राइव मोटर, इनकोडर, इनकोडर मतलब कोई भी आप अगर उसमें इनपुट देते हो तो उसको इनकोड डिकोड करने के लिए इनकोडर होता है। मोटर जनरेटर सेट है ना, सेलेक्टर, सेलेक्टर मतलब जब आप इसे कमांड देते हो कि आपको चौथे फ्लोर पे जाना है, पांचवें फ्लोर पे जाना है, तो कैसे वो डिसाइड होगा। काउंटर वेट गवर्नर, जो आपका काउंटर वेट है वो कितना ऊपर नीचे जो होगा उस चीज़ को मूवमेंट करने के लिए। रोप क्रीपर, जो रस्सी होती है। लाइट फिक्सचर एंड लाइट कंट्रोल स्विच, लिफ्ट में जो आपका लाइट और पंखा चलता रहता है। फायर अलार्म डिवाइसेस, होस्ट बीम है ना, जिससे आप अपना एलिवेटर को ऊपर नीचे आप मूव करते हो। HVAC इक्विपमेंट और डिफ्लेक्टर शीट्स, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपका होता है लिफ्ट रूम में। अब लिफ्ट रूम भी है, उसका क्या क्या होता है, देखिए ये जो है चीज़ें लिखी हुई हैं इसको आप पढ़ के अपना नोट्स बना सकते हैं, मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। पहले तो ये है कि अब जैसे आप लोग मॉल वॉल में गए होंगे ना, मॉल में आप जाते हो तो क्या देखते हो कि जैसे आप मूवी देखने के लिए गए मॉल में, या फिर तो वो तो आपको मेन एंट्रेंस एंटर कराते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो कुछ वो एग्जिट अलग तरीके की होती है। तो कभी गौर करना नेक्स्ट टाइम कि उनका एक रूम होता है जो लिखा रहता है, मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन आर नॉट अलाउड, ऐसे करके लिखा रहता है। वो सब कमरे क्या होते हैं, वो आपके लिफ्ट के मशीन रूम्स वगैरह होते हैं, कुछ आपके इलेक्ट्रिसिटी रूम होते हैं। तो उस तरीके से जाने का रास्ता तो पब्लिक कॉरिडोर से होके जाता है, कॉमन टॉयलेट भी जा सकती है, लेकिन वहाँ अलाउड वही होते हैं जो उसके ऑथोराइज होते हैं, ठीक है। तो नॉन ऑथोराइज एक्सेस नहीं होता, पब्लिक कॉरिडोर से उसका रास्ता जाता है और ये फुल्ली इनक्लोज होता है, इसमें आपका वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और इन्वायरमेंट से कंट्रोल होना चाहिए, मतलब ज़्यादा उसमें पोल्यूशन, मॉइस्चर, पानी वानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लिफ्टिंग बीम ऑन द सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, छत पे एक लिफ्टिंग बीम होता है आपका लिफ्ट करने के लिए। और फ्लोर हैच, फ्लोर हैच क्या होता है, ये देखिए ये है आपका फ्लोर हैच, ये आपने मूवी वगैरह में देखा भी होगा, है ना। तो क्या होता है कि ये आपका ग्राउंड है ना, इसको दीवार, ये आपका, सॉरी, ये आपका ग्राउंड है ना। तो ये ग्राउंड है, ये दरवाजा खुल जाता है, तो इसको हम फ्लोर हैच बोलते हैं, इसलिए मैंने फोटो लगाया है ताकि आप लोग इसको देख के समझें कि फ्लोर हैच होती क्या चीज़ है। शुड बी इंड्यूस सो दैट हेवी मशीनरी एंड पार्ट्स कैन बी विंच्ड इन, मतलब विंच्ड मतलब समझिए टेकन इन एंड टेकन आउट। एक मिनट, मैं स्पेलिंग जो है वो सही कर लेता हूँ। मतलब कैन बी टेकन इन और टेकन आउट, इसको भी आप यूज कर लीजिए, ठीक है। विंच अगर ये नहीं याद हो रहा है इसको ये लिख लीजिए आप, ठीक है। तो एक लिफ्टिंग बीम होता है सीलिंग पर और एक फ्लोर हैच होता है, तो उसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम जो हैवी मशीनरी है उसको हम मूव कर सकते हैं। ट्रैक्शन लिफ्ट के लिए जहाँ पे ऊपर में जगह है आपके, मतलब लिफ्ट का जो भी पोजीशन है अगर उसके ऊपर में जगह है तो हम ऊपर में बना देते हैं मशीन रूम, और अगर ऊपर नहीं बन पाता तो हम बेसमेंट में बना देते हैं, है ना। तो बेसमेंट में जब आप बनाओगे तो वहाँ पे फ्लोर हैच जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आप अगर कोई लिफ्ट में कोई खराबी हुई, कुछ हुआ, तो मतलब उसमें आप आ जा सकते हो, उसमें थोड़ा सा सेफ्टी डिस्टेंस बना करके। और दूसरा ये कि मैंने आपको एक बताया था कि जिसमें आपका जो मशीन रूम लेस एलिवेटर होता है उसमें भी एक तरीके से समझिए कि रूम हम अलग से डेडिकेट तो नहीं करते, हम साइड में लगा देते हैं, तो वो भी एक तरीके से कंट्रोल रूम ही हुआ आपका। और आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसमें भी आपका जो होता है मशीन रूम वो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, क्योंकि हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, आप फ्लूइड के प्रेशर की को यूज़ करके आप लिफ्ट को ऊपर नीचे करते हो, है ना। तो इसलिए हाइड्रोलिक लिफ्ट में मोस्टली हमारा जो मशीन रूम होता है वो नीचे होता है, ग्राउंड फ्लोर में होता है।
जो आपका इलेक्ट्रिकल लिफ्ट होता है उसमें मशीन रूम हम कोशिश करते हैं ऊपर बनाने के लिए। ज़्यादा अगर हेवी मशीनरी है आपके पास, मतलब मान लीजिए अगर आपको 20-25 फ्लोर तक का है, तो उसमें तो वो हेवी मशीनरी है, तो फिर तो उसको आपको नीचे लगाना पड़ेगा। नॉर्मली अगर जगह है, छोटे ऑपरेशन के लिए चाहिए आपको एलिवेटर, तो ऊपर लगा सकते हैं और साइड में भी लगा सकते हैं। तो ये है आपका मशीन रूम, क्या चीज़ होती है, कहाँ लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। ये है, मैंने रेफरेंसेस लिए हैं, और ये जो वीडियो लिंक है ये वही लिंक है जो मैंने आपको भी चला करके दिखाया है। तो आप चाहें तो इसको भी चला करके एक बार देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं, है ना। और इससे मैंने आपका स्टडी मटेरियल जो है रिफ़र किया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपका जो कवर किया है वो कवर किया आपका ब्रेक सिस्टम, और दूसरा जो मैंने कवर किया है वो आपका है मशीन रूम। ठीक है, ये है आपका पूरा सिस्टम। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू आस्क योर क्वेरीज एंड आस्क योर डाउट्स इफ यू आर हैविंग। ओके, थैंक यू सो मच।